ये हमारे युवा नेता है जून जी आया वसीम साहब और ये आपके ये एमएलए है ये हमारा ये एमएलए से पावरफुल है बिल्कुल ये प्राइम मिनिस्टर उनकी एमएलए की नहीं जानता है बिल्कुल मैं यहाँ SKICC में वो अटेंड करने आया था और वो सिर्फ फाउंडेशन डे ही नहीं था वो एक पीस का डे था अमन का डे था तरक्की का डेवलपमेंट का खुशहाली का दिन था और जम्मू कश्मीर में देश के वज़ीर आज़म और देश के वज़ीर दाखला और यहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ का LG प्रशासन सब ने मिल के यहाँ अमन लाया है पीस लाया है खुशहाली लाई है किसान खेत में जा रहा है और स्टार्टअप स्टैंडअप के ज़रिए हमारे कश्मीर के नौजवान बच्चे बच्चियां एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ रहे हैं और इंटरनेशनल कम्युनिटी और देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन यहां इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो 10 साल के हैं वो लोगों ने उनको माना है और भारतीय जनता पार्टी को एक अल्टरनेट के तौर पर देखते हैं कि ये अमन का पैगाम लेके आई है पीस लेके आई है और शोपियां का सेब तो हम सेब के लिए पहले भी आपके नौजवानों के लिए बात करते रहते हैं शोपियां भी हमारे उसमें हैं जी देखिए वो पॉलिटिकल कंजप्शंस के लिए करते हैं अब लोगों ने उनको निकारा है और जम्मू कश्मीर से तो उनको वाजियत ही नहीं बनती उनको तो वाइपआउट करा है और उनका कोई बात का वजन नहीं बनता है कश्मीर के लोगों को खासकर होम मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर साहब बड़ा स्पेशल समझते हैं और उनके लिए 24 आवर चिंता करते हैं और यहाँ तक आपने टनल जहाँ उसकी एक अच्छा विकल्प है अभी पार्लियामेंट सेशन में हमारा पहले भी मैंने कश्मीर के लिए खासकर इनके सेब के लिए अभी हमने शोपियां का जो सेब है वो मशहूर है और हर ज़िले की इंफ्रास्ट्रक्चर खासकर इसको टूरिज़्म पे कैसा लाया जाए और यहाँ कनेक्टिविटी के लिए BSNL जो है करीब 3000 टावर लगा रहा है जिसमें शोपियां भी पेश है कैंडिडेट है यहाँ जो कैंडिडेट्स हमने ज़्यादा नहीं खड़े करे थे लेकिन हमारे कैंडिडेट का छवि भी अच्छा है लोगों में वो रहते हैं और हम सब लोगों के मशहूर हैं यहाँ के खासकर शोपियां के हर तबके के उन्होंने हमें इज़्ज़त दी हम भी इनको इज़्ज़त देंगे।